7 दिन का श्राप मिला हुआ था परीक्षित महाराज को कि भैया 7 दिन बाद आपको तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ घंटे तो लग गए उनको तैयारी करने में, तैयारी कर करके आ करके गंगा के तट पर जब बैठे तो अलग अलग साधु संत उनको मिले, जितने मति उतने मत, अलग अलग उनको मत दिए जा रहे थे कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। फिर फाइनली ये कंक्लूजन पे आए कि नहीं आप कुछ मत करो, बस चुपचाप यहीं बैठ जाओ, कान खोल करके बैठ जाओ और श्रवण करो। आप सुखदेव गोस्वामी श्रवण कराने शुरू किए, कीर्तनम के आचार्य बताए जाते हैं। कई बार लगता है हमें कि कीर्तन मतलब बस जो हारमोनियम ढोल मृदंग लेकर के करतार लेके वही बजाना, उसी को कीर्तन कहते हैं। नहीं, कीर्तन दो प्रकार का होता है, नाम तीन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। जो हम हरि कीर्तन ऐसे करते हैं मृदंग में वो नाम कीर्तन होता है, बट गुण कीर्तन भी होता है और लीला कीर्तन भी होता है। तो उन्होंने क्या किया था, गुण और लीला कीर्तन किया था, ठीक है। और कीर्तनम के आचार्य, ऐसा नहीं है कि जो भागवतम पढ़े वो भागवतम भी कीर्तनम में आता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही सेम परीक्षित महाराज किए थे।